दोस्तों आज मैं आपको ले आया हूँ नो फ्रिल्स पे। ये नो फ्रिल्स यहाँ कनाडा में फूड, जो भी आपको कोई वेजिटेबल्स और ग्रोसरी कुछ भी करनी होती है वो आपको यहाँ काफ़ी किफ़ायती रेट्स पे मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आज आपको बताऊँगा कि कंपैरिजन क्या क्या प्राइसेस के अपने इंडिया में किस तरीके से है और यहाँ क्या क्या रेट होते हैं। पियर्स, ये जो पियर्स हैं इसका रेट 1 kg का 5.49, 1 kg का है $5.49 1 kg का। एंड अगर हम पियर्स देखें तो पियर्स का जो अगर आप 1 kg लेते हो तो ये आपको पड़ेगा $4.39 का। एंड आप इंडिया के अकॉर्डिंग इसका प्राइस कंपैरिजन कर सकते हैं कि इंडिया में आपको क्या रेट का पड़ेगा इसे। और अगर हम लेमन्स की बात करें, नींबू की, हाँ नींबू यहाँ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं नींबू जैसे अपने इंडिया में संतरे होते हैं उस टाइप के नींबू आपको मिलेंगे। और ये आपको तकरीबन 0.89 का पड़ेगा, जो कि अगर आप कह सकते हैं कि 1 kg के अंदर आपको $1 समथिंग का पड़ेगा ये। और अगर हम सेब की बात करें तो सेब आपको पड़ेंगे $8.80 का 1 kg। और जैसे कि ये एप्पल्स हैं, इन एप्पल्स का रेट है 2.49 पर LB। अगर मैं से केजीज में देखूं तो 1 kg आपको पड़ेगा 5.49 kg का। और दोस्तों अगर हम अपने मनपसंद आइटम की बात करें वो है टमाटर। यहाँ आपको टमाटर अलग अलग टाइप के और अलग अलग कैटेगरी के मिलेंगे, छोटे टमाटर, बड़े टमाटर। और उसमें से ये वाले टमाटर जो हैं ये आपको 1 kg के $5.50 के पड़ेंगे। ये थोड़े बड़े टमाटर हैं शायद इसी वजह से, और वो वाले टमाटर थोड़े नॉर्मल साइज़ टमाटर हैं, तो उसका रेट अलग अलग है। ये हो गया कुकम्बर, खीरा, ये आपको 1 pound इसका $1.49 का पड़ेगा, जो कि इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका रेट ज़्यादा ही है। तो इस तरीके से ये ओपन में भी हैं आपको जो मिल रहे हैं, और ये छोटे वाले आपको पैकेट में ही मिलते हैं। हाँ, इसमें आप टैक्स ज़रूर ऐड करेंगे अभी वो टैक्स भी बाद में ऐड होता है इसमें, ये ज़रूर ध्यान रखिए। जो रेट है ये MRP वाला रेट नहीं है, ये जो आपको दिखा रहे हैं रेट, इसके ऊपर आपका जो यहाँ का HST टैक्स है वो ज़रूर ऐड होता है हर आइटम पर। और अगर मैं ये वाले ऑरेंजेस की बात करूँ, जिसको हम ऑर्गेनिक लेमन के नाम से भी यहाँ बहुत फेमस कहते हैं, तो वो तकरीबन 1 kg आपको $5.99 का पड़ेगा। ये कुछ एप्पल्स की कैटेगरी डिफरेंट है, ये एप्पल्स एम्पायर बैग समथिंग करके है ये वाले एप्पल्स, और इनका रेट आपको पड़ेगा 1.81 kg अगर आप लेते हो तो तकरीबन $8 का आपको ये पड़ेगा। तो रेट इसी हिसाब से हैं। और दोस्तों ये बैंगन, ये छोटे छोटे से बैंगन हैं, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से बैंगन। ये जो बैंगन है इसका रेट आपको पड़ेगा अंदाजा 1 kg अगर आप लेते हैं तो $4.39 का आपको पड़ेगा 1 kg। तो इंडिया से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी महंगा ही है इसका प्राइस, जो हम सब्जियों के साथ अक्सर हम मुफ्त में ले लेते हैं। और ये रही वो मिर्ची, घटिया अगर आप लोगे तो आपको 1 kg तकरीबन $12.77 की पड़ेगी। तो यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है, जैसे कि हम इंडिया में सब्जियों के साथ में मिर्ची ले लेते हैं, यहाँ आपको अलग से पे आउट करना ही पड़ेगा। और ऊपर से टैक्सेस भी लगेंगे इसके ऊपर, वो मैंने अभी ऐड नहीं करे हैं, वो 18% टैक्सेस होते हैं यहाँ, GST जो यहाँ लगता है वो भी अभी ऐड होगा इसके ऊपर। बट डील्स टाइम टू टाइम यहाँ निकलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि डील्स हमेशा सेम ही चल रही होती हैं, टाइम टू टाइम, सीज़न टू सीज़न यहाँ डील्स चेंज होती रहती हैं और उसके अकॉर्डिंग रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। और जैसे कि ये मुझे सैलेड बाउल दिख रहा है, ये सैलेड बाउल $5 का है। ये सैलेड बाउल कौन सा वाला, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का, जैसे ये वाला नीचे सैलेड बाउल है, ये कंप्लीट सैलेड बाउल है जो कि 50% ऑफ पे लगा हुआ है। फ्रूट सैलेड कंप्लीट सारे कटे हुए फ्रूट से भी 50% ऑफ पे है। और दोस्तों ये रहा इनका दूसरा सब्जियों का सेक्शन। यहाँ अगर मैं देखूँ जैसे कि ये है कैबेज रेड, ये रही कैबेज रेट, तो देखने में लाल लाल है तो ये तकरीबन गोभी का दूसरा टाइप है, लाल रंग की है जो अपनी बंद गोभी होती है। इसका रेट है 1 kg अगर आप लेते हो तो $2.84 की पड़ेगी 1 kg।
तो इसका जितना वेट होगा, अगर कोई 2 किलो का है तो उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा विद टैक्सेस, टैक्सेस भी ऐड होंगे बाद में। ये कैबेज ग्रीन, ये रही वो कैबेज ग्रीन, बहुत बड़े बड़े पीसीज हैं, तकरीबन मुझे लग रहा है 2-2.5 किलो का तो एक पीस होगा ही होगा। और ये आपको पड़ेगा अगर आप 1 kg का लेते हो तो $2.18 का। और ये रही वो ऑर्गेनिक सामान, ये भी इसमें फूल गोभी, गाजर, ये सारी ऑर्गेनिक वाली चीज़ें हैं जो कि अलग से एक सेक्शन में रखी होती हैं। इसका रेट अगर आप लेते हो तो 1 kg अगर आपको $2.84 का पड़ेगा 1 kg, तो इंडिया से कंपेयर अगर करें तो इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। और ये रही भिंडी, ये भिंडी को यहाँ ओकरा बोलते हैं और एक काफ़ी पॉपुलर आइटम होती है यहाँ पे, यूजली इसको लोग प्रीमियम सब्जी में ही मांगते हैं। अगर आप इसका रेट भी आप चेक करोगे तो 1 किलो का आपको मिलेगा $6.59, तो काफ़ी महंगी है ये भिंडी बाकी सारी सब्जियों के कंपेयर में। तो यहाँ भिंडी अगर कहीं आप रेस्टोरेंट में लेते हो कोई सब्जी भिंडी की, तो आपको सबसे महंगे रेट पर मिलेगी भिंडी की सब्जी, जो हम इंडिया में खाना पसंद भी नहीं करते कभी कभी, तो अगर पनीर की आइटम हो या चिकन की आइटम हो या कोई और आइटम हो तो भिंडी को ज़्यादा कंसिडर नहीं करा जाता, ज़्यादा मज़े नहीं आते उसको खाने में।